केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, बहुत ही दुखद घटना है और हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं अभी जहां पर यह दुर्घटना हुई है। आपके पास क्या जानकारी है, क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे, जो परिवार इस वक्त इस हादसे का शिकार हुए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा। इस समय जहाज में बैठे हुए हैं, वहीं के लिए रवाना हुए हैं कटरा के लिए। जी जी। लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं सारे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं आरंभ से ही, जब से ये सूचना प्राप्त हुई थी। अब जो जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं उसकी भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी सांत्वना जरूर कहीं ना कहीं दिखती है कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस घटना को लेकर न केवल चिंता व्यक्त कर रहे हैं बल्कि एक एक क्षण इसको लेकर के निर्देश भी जारी कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। 12-13 लोग नारायणा अस्पताल जो बेसमेंट में कटरा में वहां पर एडमिट करवाए गए हैं, उनमें से आमतौर पर सामान्य चोटें लगी हैं, एक दो को थोड़ी सी चोट ज्यादा है। अगर आवश्यकता हुई उनको बाहर शिफ्ट करने की तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी यथा उचित। उसके अतिरिक्त एक दो लोगों को तो फर्स्ट एड देकर के घर भेजने की भी कभी विचार किया जा रहा है। जी, जो सूचनाएं मिल रही हैं, हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग अभी भी मौजूद हैं ऊपर, और जो आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं 2-2.5 लाख के करीब लोग हैं, तो मतलब इतना क्राउड वहां पर कैसे गया, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे? आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, इसको इनकार करना भी संभव नहीं है। बहुत ज्यादा अनकंट्रोल भीड़ आ गई, लोगों में इतना ज्यादा उत्साह, विशेषकर युवाओं में, और कुछ सालों से नया ट्रेंड शुरू हुआ कि न्यू ईयर ईव पर बहुत भारी संख्या में युवा आते हैं और उनका उत्साह इतना अधिक होता है कि वो उनको नियंत्रित करना भी कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। गुजरे जमाने में आमतौर से जो कन्वेंशनल डेवोटीज हैं वो त्योहारों के मौसम में आते थे, नवरात्रि के दिनों में, दशहरा विजय दशमी के दिनों में, मकर संक्रांति के दिनों में। न्यू ईयर ईव पर जो ट्रेंड शुरू हुआ युवाओं में है तो वो सराहनीय है, परंतु उनमें उत्साह इतना अधिक होता है कि कई बार आने वाले लोग भी कठिनाई का सामना करते हैं उन पर, उनके उत्साह को थामने में। और ये घटनाक्रम भी युवाओं के ही एक टोली से, लोग 2-2.5 बजे जो आपस में कोई चर्चा चल रही थी, उनकी बहस चल रही थी, वो तो कह नहीं सकते, लेकिन उसी के दौरान किसी एक आध को धक्का लगा, जाने में अनजाने में कैसे लगा वो भी नहीं मालूम, और फिर देयर वन थिंग लेड टू द अदर। जी, प्रधानमंत्री की तरफ से आप लोगों को क्या निर्देश दिए गए आपको खासकर? प्रधानमंत्री एक एक क्षण की सूचना लिए हुए स्वयं तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात कर रहे हैं। हम मैं स्वयं भी उनके संपर्क में निरंतर हूँ, एक एक पल की उनको सूचना भी दी जा रही है, और स्वयं भी वो हर प्रकार की हमें नसीहत भी दे रहे हैं। अभी हम वापस लौटने के बाद भी प्रधानमंत्री को पूरा अपडेट करेंगे और उनसे आगे का जो होगी। अच्छा, मैं ये जानकारी TV9 की तरफ से आपसे साझा कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सहयोगी वहाँ मौजूद थे, जो लोग नीचे आए हैं ऊपर उस समय जहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये भी शिकायत की है कि भीड़ को एक तरफ से जाने दिया गया और दूसरी तरफ से आने नहीं दिया गया, और जब स्थिति बाहर हो रही हादसे तो लाठियां भी चलाई गई, वहाँ लाठीचार्ज भी किया गया, ये सब बातें भी निकल कर सामने आ रही है। आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा, जांच का आदेश तो दे दिया गया है, मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमेश कुमार जी से निरंतर संपर्क में हूँ, अभी एक घंटे के उपरांत उनसे बैठ करके चर्चा भी की जाएगी कि यदि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ। निश्चय ही अगर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी कुछ कहेंगे आप, क्योंकि सारी जगह गाइडलाइंस थी लेकिन फिर भी इतने लोग जमा हो गए? अपनी तरफ से तो मुझे लगता है कि व्यवस्था में प्रोटोकॉल शामिल है कोविड का, लेकिन जा करके चूंकि इतने सारे लोग उत्साहित रहते हैं कि तो उसमें शामिल होना, तो कहीं ना कहीं वो स्वयं भी उल्लंघन करते हैं जी। और मुझे लगता है कि अब इसके लिए भी कैसे, क्या उपचार हो, क्या इसके नियम निर्धारित किए जाए, आपका कहना ठीक है, इसके भी ऊपर कुछ ना कुछ विकल्प निकालने पड़ेंगे आपको। तो अभी आप क्या सीधे घटनास्थल पे ही जा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, मैं तो आपको सच बताएं क्योंकि मैं वहाँ का सांसद भी हूँ, बहुत से लोग हमारे से नाराज हो जाते हैं इसलिए, जब हमने उनसे कहा पिछले 2-3 दिनों में कि भाई अब आप जो हमें कहते हैं कि साहब हमें वो आरती के लिए पास बनवा दीजिए, तो जब हम हमारी तरफ से ये बात जाती है कि अब बहुत ज्यादा भीड़ है आप ना जाइए, तो वो तो नाराज महसूस करते हैं। इतना अधिक उत्साह है लोगों में,
और विशेषकर युवाओं में, तो मुझे लगता है उनके लिए भी थोड़ी सी काउंसलिंग की आवश्यकता रहेगी। जी जी, चलिए शुक्रिया आपका जितेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री जो कि इस वक्त घटनास्थल पे यानी कि जो माता वैष्णो देवी का दरबार है वहाँ ही रवाना हो रहे हैं हालात को देखने समझने के लिए कि आखिर क्या हुआ। इस पूरी घटना के लिए जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाई गई है और इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। जैसा कि केंद्रीय मंत्री खुद ये कह रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं और कुछ वर्षों से साल के पहले दिन ये ट्रेंड है जब लोग बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं और यही वजह है कि इतनी भीड़ हो गई माता के दरबार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।